Dear students, today we will discuss classification of a relation, which is important topic from chapter relation and function. Relation का ये एक important topic है जो आप की exam में पूछे जा सकते. Before we will discuss today's topic, dear students, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे जो है वो भी इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी डिस्कस अवर टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट. से ए रियली वी डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए सेट ए मीन्स ए इज नॉन एम्प्टी. रिमेंबर दिस, हमने ए सेट पे रिलेशन डिफाइन करनी है. मीन्स वी हैव फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस ए, फिर इसी के ए क्रॉस ए के जो सबसेट से दे फॉर्म रिलेशन. अब उन्हीं रिलेशन को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्लास इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन. थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये थ्री क्लासेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इंपॉर्टेंट ये तीनों क्लासेस. इसमें आज के लेक्चर में हम फर्स्ट क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. विद एग्जांपल्स हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारे पास रिलेशन कहां से होगा? रिलेशन इज डिफाइन ऑन ए गिवन सेट ए. अब डिपेंडेंस अपॉन द सेट ए एंड डिपेंडेंस अपॉन कौन सी रिलेशन हम वहां से ले रहे हैं, उस रिलेशन पे डिपेंड करता है एंड सेट ए पे डिपेंड करता है. गिवन ए रिलेशन आर हम लेंगे, आर डिफाइन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसको इस आर को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान रहे हैं इफ कंडीशन डाल रहे हैं ए बिलोंग्स टू आर. ए रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर किसमें होगा? उस रिलेशन में. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस रिलेशन पे, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. नाउ टेक एग्जांपल, एग्जांपल से आपको ये समझ आएगा. एग्जांपल टेकिंग ए इज इक्वल टू ए को मान, इट इज 1 2 3 ये सेट है. देन ए क्रॉस ए हमारे पास होगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू सी 1 1 1 2 1 3, फिर होगा 2 1 2 2 2 3, फिर होगा 3 1 3 2 3 3. ये हमारे पास इसका यूनिवर्सल रिलेशन होगा. यूनिवर्सल रिलेशन भी होगा, इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट ए विद इटसेल्फ. अब रिलेशन, कोई रिलेशन हम लेंगे आर इज इक्वल टू से, आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3. ये हमारे पास सबसेट है किसका? इस ए क्रॉस ए का ये सबसेट है. नाउ सी हियर, ये रिलेशन हमने ले लिया
क्या अब ये रिफ्लेक्सिव है, उसके लिए हमें क्या देखना है, ए के जो एलिमेंट है ए में 1 2 3 वन है ये, तब जाके अगर इस ऑर्डर पेयर को देख ले दैट इज 1 1 उस रिलेशन में होना चाहिए, फिर 2 है यहां पे 2 2 भी वहां पे होना चाहिए, एंड 3 है यहां पे दैट इज 3 3 भी वहां पे होना चाहिए। ये 3 एलिमेंट इज नेसेसरी उस रिलेशन में होने चाहिए। सी ये रिलेशन हमने यहां पे ले लिया 1 1 यहां पे क्लियरली दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू हियर, 1 2 इसको छोड़, 2 2 है यहां पे वो भी यहां पे, 3 3 वो भी यहां पे, क्लियरली दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये रिलेशन हम लेंगे यहां पे डियर स्टूडेंट आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 ये भी सबसेट है इस एक राशि का, मीन्स इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है उसके लिए ए पे आपको जाना है, ए में 1 है मीन्स 1 1 वहां पे होना चाहिए वो तो है, फिर 2 है यहां पे बट 2 2 इज नॉट हियर, वो 2 2 यहां पे नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन हमारे पास है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम थोड़ा एक और एग्जांपल देंगे आपके लिए डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अगर हमारे पास सेट ऑफ लाइनस होगा इन ए प्लेन, लाइनस इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, रिमेंबर दिस डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेट ऑफ लाइनस ले रहे हैं से ए बी द सेट ऑफ लाइनस इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, प्लेन है हमारे पास, लाइनस है प्लेन में अवेलेबल, इनफाइनाइट लाइनस आर लाइंस ने प्लेन, एक प्लेन में इनफाइनाइट लाइनस ड्रा कर सकते हैं। आप उन लाइनस में भी हम रिलेशन ले सकते हैं, माने फॉर एग्जांपल इफ वी टेक पैरेलल लाइनस, सेट ऑफ पैरेलल लाइनस, सेट ऑफ पैरेलल लाइनस, एक सेट हम ले रहे हैं जिसमें पैरेलल लाइनस है, एल वन इज लाइन, एल टू इज लाइन, एल थ्री इज लाइन, एल फोर इज लाइन, इनफाइनाइट लाइनस है इस सेट में, ये सेट हमारे पास है। अब हम मान रहे हैं इन लाइनस के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज पैरेललिज्म, एल वन इज पैरेलल टू एल टू, जो जो लाइनस पैरेलल है आपस में वही लाइनस हम इस सेट में ले रहे हैं, ए सेट में हम इट इज सेट ऑफ पैरेलल लाइनस, इट इज सेट ऑफ पैरेलल लाइनस, अगर हमारे पास सेट ऑफ पैरेलल लाइनस है तब जाके हम यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, एक क्रॉस है वो हमारे पास होगा एल वन एल टू फिर एल टू एल वन एल थ्री एंड सो ऑन, इस तरह ये भी हमारे पास। अब रिलेशन हम ले रहे हैं, रिलेशन में हमारे पास है एल वन एल टू सच दैट एल वन इज पैरेलल टू एल टू, वेयर एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू ए, जनरल एल आई एल जे, एल आई इज पैरेलल टू एल जे, एल आई एल जे बिलोंग्स टू ए, रिमेंबर दिस रिलेशन में हम वो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है इट इज अ लाइन एंड सेकंड कंपोनेंट इज आल्सो अ लाइन, ये ऑर्डर पेयर तभी इस रिलेशन में रहेगा
जब L1 लाइन जो इट इज पैरेलल टू LJ लाइन, मीन्स अगर हमारे पास पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है तब जाके वो यहां पे उनका ऑर्डर पेयर होगा। क्या ये पैरेललिज्म जो है एक प्लेन के लाइन्स पे हम एक रिलेशन ले रहे हैं पैरेललिज्म, क्या वो पैरेललिज्म रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका मतलब है अगर हमारे पास यहां पे ए में L1 है, L1 इज लाइन, क्या ये पैरेलल है टू इटसेल्फ? डियर स्टूडेंट्स, L1 क्या ये पैरेलल टू इटसेल्फ है कि नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, रिमेंबर दिस, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। देयरफॉर जो पैरेललिज्म यहां पे हमने लिया, पैरेललिज्म ऑफ लाइन इज इन ए प्लेन दैट फॉर्म्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसी प्लेन में जो लाइन्स हैं, इस तरह भी लाइन्स आ सकती है, टू लाइन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर कंडीशन हम डाल देंगे लाइन्स पे, वो भी एक रिलेशन बनेगा दो लाइन्स के दरमियान। क्या ये परपेंडिकुलरिज्म रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता कि नहीं बनता? डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये लाइन है, क्या ये अपने आप में परपेंडिकुलर है? नहीं है। दिस परपेंडिकुलरिज्म ऑफ लाइन्स इन ए प्लेन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिमेंबर दिस। अगर पैरेलल लाइन्स का होगा देन दैट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, अगर परपेंडिकुलर का होगा, परपेंडिकुलर लाइन्स का होगा रिलेशन आपके पास, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हो सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।